सर सर बहुत कम সম্ভাবনা আছে যে এটা কন্টিনিউ দুই তিন ক্লাস তো আজ্ঞা স্যার জয়েন করুন। না না স্যার কো স্যার কো মু টিকে মানে ওকে ছয় মানে আজকে যাতে জয়েন করাতে বলে টিকে ভালো লাগতো তো ওহো হো সেই এই যে স্যার আঙ্ক যে টপিক আছে লিঙ্গুইস্টিক র স্যার লিঙ্গুইস্টিক র মানে টিকে বহুত ফেমাস টিচার আছেন তো ওকে ওকে কম ছুঁ আসলে ক্লাস টিকে ভালো লাগিব না যেহেতু মু তাঙ্কু রিকোয়েস্ট কলি কি ছয় মানে টিকে আসি যান তো ঠিক ঠিক আছে স্যার পদ্ধতি জয়েন করলে না হ্যালো ধনজি স্যার আচ্ছা জয়েন করি কিনা লেফট বিহেভ করলো মেবি কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম হতো আপ জিতনে ভি বিদ্যার্থী হ্যাঁ ইস কক্ষা মে ভি বনে হুয়ে হ্যাঁ সব সভি সে মেরে নিবেদন হ্যায় কি কক্ষা বিচ মে না ছোড় কে জায়ে কি জি স্যার প্রণাম স্যার স্যার আপকি মাইক স্যার মিউট হ্যাঁ স্যার हाँ नमस्कार सर नमस्कार। नमस्कार सर आवाज आवाज आ रही है ना। जी जी सर आवाज स्पष्ट आ रही है सर आपकी। अच्छा अच्छा तो सब लोग जुड़ चुके हैं। हाँ सर जुड़ चुके हैं विद्यार्थी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मौसम सही नहीं है बारिश वगैरह लगातार हो रही है कल से तो अच्छा कुछ अच्छा तकनीकी दिक्कत हो रही है विद्यार्थियों को फिर धीरे धीरे जुड़ रहे हैं विद्यार्थी धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो चुके हैं तो अगर आपकी अनुमति हो तो सर आरंभ करें क्योंकि समय भी लगभग 10 मिनट ज्यादा हो चुका है। जी 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 तो शुरू मैं कर शुरू सकते कर हैं। जी जी सर तो नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जैसा कि आप लोगों को पुनः सूचित पूर्व में सूचित किया गया था कि इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आज जो हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आपके तृतीय छमाही की ही एक पेपर है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान जो जिसे आप लोगों के मैं बात करूं तो MSD 7 के खंड 3 तीसरे की उस इकाई है तो उस विषय को पढ़ाने के लिए एक नए विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज डॉक्टर धनजीत प्रसाद सर। मैं सर के बारे में बता दूं कि सर वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग में बतौर सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है और भाषा विज्ञान जो है सर का रुचिकर विषय भी है। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक सर का ब्लॉग भी भेजा था ग्रुप में कि आज की कक्षा से पहले पढ़ ले ताकि चीजें समझने में थोड़ी आप लोगों को आसानी होगी क्योंकि जब हम भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा तकनीकी चीज हो जाती है साहित्य के अंतर्गत ये तकनीकी चीज होती है इसके बारीकों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इस वजह से मैंने सर द्वारा ही निर्मित एक ब्लॉग आप लोगों को भेजा था जो सर ने मुझे भेजा हुआ था पहले तो मैंने आप तक पहुंचा दिया है तो उसी के बाद उसी से आगे बढ़ते हुए मैं सर से निवेदन करूंगा कि आज के विषय पर अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान पर सर अपनी बात रखे अपनी चर्चा परिचर्चा करें उसके बाद सर का व्याख्यान संपन्न होने के बाद आपके मन में जो भी जिज्ञासा जो भी प्रश्न रहेंगे आप चैट बॉक्स के माध्यम से रख सकते हैं मैं आपके प्रश्न सर तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्वागत है आपका पुनः एक बार। चलिए ठीक है धन्यवाद। तो मैं थोड़ा सा जानकारी आप दें विद्यार्थियों के बारे में कि क्या सब सर लोग मतलब भाषा विज्ञान में PG हैं या क्या हैं। सर अभी विद्यार्थी ये MA हिंदी के विद्यार्थी हैं तृतीय छमाही के विद्यार्थी हैं इनके पेपर में एक पेपर है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का एक पेपर है जिसके अंतर्गत हिंदी संरचना और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान ये दो विषय है तो हिंदी संरचना विषय उनका हो चुका है हिंदी संरचना जो पहले से पढ़ चुके हैं ये अंतिम उनका एक विषय रह चुका है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान जिसके ऊपर वो सर उनको थोड़ी दुविधा थी बंद थी इसलिए सर मैंने आपको सर संपर्क किया था कि आप विद्यार्थियों की दुविधा को सर दूर करें। चलिए ठीक है सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बैकग्राउंड जानना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप अधिक डीप में समझेंगे और अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं और एक पेपर के रूप में भाषा विज्ञान को समझ रहे हैं तो उतनी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ कम डीप में बात करेंगे यद्यपि यह बात उतनी तक जरूर होगी कि आप लोग उसको समझ सकें और यथासंभव आत्मसात कर सकें। तो चूंकि आपके अध्यापकों या आयोजकों द्वारा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान पर अगर चर्चा करने के लिए मुझे अवसर दिया गया है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सैद्धांतिक भाषा विज्ञान पर आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे
दूसरे प्रश्न पत्रों में दूसरे अध्यापकों या विषय विशेषज्ञों के माध्यम से। इसलिए हम लोग सैद्धांतिक भाषा विज्ञान की थोड़ी सी बहुत हल्की सी बैकग्राउंडिंग करते हुए अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान पर प्रस्थान करेंगे और उसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। और चूंकि क्या होता है कि अगर आप बैकग्राउंड से या मतलब क्लास के पृष्ठभूमि से थोड़ा पहले से जुड़े रहते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, इसलिए मैंने क्या किया कि आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए या पढ़ लेने के लिए भेजा था एक लिंक, जिसको कि अभिषेक सर बता रहे हैं कि उन्होंने आप तक पहुंचा दिया है। तो मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने उसका नोट्स बना लिया होगा। तो वो नोट्स या ब्लॉग खोल के अपने सामने रख लें, वो आपको थोड़ा दिखता रहे। और नोट्स के लिए आप अपने पास रजिस्टर भी रखें, अगर कोई नई बात या कोई ऐसी बात लगे जिसको आपको बाद में रिकॉल करने की ज़रूरत हो तो उसे बिना किसी दुविधा के नोट कर लें, क्योंकि नोट्स के साथ पढ़ना एक अच्छी आदत है और वर्तमान में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। पहले कभी संस्कृत काल में एक जो विद्या हुआ करती थी वो रटंत विद्या थी, लोग सीधे रटने में भरोसा रखते थे। तो उस समय की स्थिति परिस्थिति अलग थी, उस समय जो है गुरुकुल परंपरा में रटने का ही काम होता था, और चूंकि हम लोगों की तरह उन लोगों के 50 काम नहीं होते थे, गुरुकुल परंपरा में घर छोड़ के विद्यार्थी चला गया, केवल और केवल वही काम कर रहा है। हम लोग चूंकि दैनिक जीवन भी जी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इसलिए हमें नोट्स के साथ ही काम करना चाहिए। तो हम लोग अब विषय पर आते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को लिंक में भेजा था कि अगर आपको अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान जानना है तो उसके पहले आपको भाषा और भाषा विज्ञान का थोड़ा सा परिचय होना चाहिए। तो भाषा की जो सार्वभौमिक परिभाषा भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दी जाती है, जिसमें भाषा संबंधी सभी बातें आ जाएं, तो कुछ इस तरह से हम कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य विचार करता है तथा अपने भाषाई समाज में विचारों का आदान प्रदान करता है। ये परिभाषा आप लोग दूसरों किताबों में भी कुछ दूसरे रूपों में देख सकते हैं, एक आध शब्द आगे पीछे ऊपर नीचे करके, लेकिन मोटा मोटी बात वही कही जाती है। क्यों वही कही जाती है? क्योंकि आप दुनिया की कोई भी केमिस्ट्री पढ़ लें, पानी को आप H2O से बाहर कुछ नहीं कह सकते। कहने का तरीका आपका जो भी हो, कहते कहते आप H2O तक ही जाएंगे। इसलिए अगर आप भाषा की परिभाषा भी देते हैं तो घूम फिरकर किसी न किसी रूप में इसी बात को कहेंगे। इसमें से कुछ छोड़ सकते हैं या इसमें कुछ थोड़ा बहुत जोड़ भी सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को यानी आगे बताया है कि इस परिभाषा में कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, अगर उन शब्दों का अर्थ, उन शब्दों की व्याख्या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि इस परिभाषा का मतलब क्या हुआ या भाषा के बारे में ऐसी बात क्यों लिखी गई है इतने बड़े बड़े शब्द लगाकर। आपसे पूछा जाए तो शायद आप यही कहेंगे कि वह चीज है जिसके द्वारा हम बोलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये साधारण शब्दों में कही गई बात है। इसी को जब आप टेक्निकल शब्दों में कहेंगे तो वही कहेंगे जिसे मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। थोड़ी सी बैकग्राउंडिंग कर लेते हैं ताकि अनुप्रयोग भी समझना थोड़ा सरल हो जाएगा। तो इसमें जो टेक्निकल शब्द हैं उनकी सूची है, एक दूसरा लिंक भी था जिस पर उन शब्दों की व्याख्या भी है, शायद आप लोग थोड़ा अगर रुचि रखते होंगे तो आपने उसे भी खोल के देखा होगा। आप में से कितने लोगों ने उस लिंक को खोलकर परिभाषा समझने की कोशिश की है? अनम्यूट होकर बोल सकते हैं अथवा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिन लोगों ने एक दूसरा लिंक खोल करके परिभाषा को समझने की कोशिश की है वे लिंक में बता सकते हैं या बोल कर भी बता सकते हैं, रिप्लाई करें, कम्युनिकेटिव रखिए, भले थोड़ा कम समझें लेकिन वन वे ट्रांसफर ना हो। ठीक
किसी ने नहीं? अगर कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यही समझा जाए कि किसी ने नहीं। ये अच्छी बात नहीं है, देखना चाहिए था। थोड़ा समय देंगे, जिस भाषा विज्ञान ऐसी चीज है। हाँ, अतली बाबू हनु आपने देखा है, चलिए अच्छी बात है, देखना चाहिए था। इसमें जो पारिभाषिक शब्द आए हैं, जैसे यादृच्छिक है, ध्वनि प्रतीक है, और मनुष्य है, व्यवस्था है, विचार करना, अपना भाषाई समाज, विचारों का आदान प्रदान करना, ये सारे तकनीकी शब्द हैं जो भाषा क्या है की व्याख्या करते हैं। थोड़ी बात हम लोग एक एक लाइन में कर लें, क्योंकि आप लोगों ने देखा नहीं है। यादृच्छिक का अर्थ है कि भाषा में दो चीजें पाई जाती हैं, एक और है ध्वनि और ध्वनि समूह, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, आपके कानों तक जो भी चीजें पहुंच पा रही हैं वो सब की सब ध्वनि या ध्वनि समूह हो है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो है ओहायो गुजाइमस, वतशिवा धंगिरेशु, वतशिवा इंदोजिन देशु निहोंगो करा, कुछ इस तरह से बोलने लगूं तो आप कहेंगे ये क्या है। तो आप ध्वनि सुन पा रहे हैं लेकिन उस ध्वनियों के समूह को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये एक पक्ष है जिसको अभी आप समझ नहीं पा रहे थे, और वही चीज मैं हिंदी में बोल रहा हूं आपसे तो आप समझ पा रहे हैं। ये उसका दूसरा पक्ष है जिसे हम अर्थ कहते हैं। तो भाषा में दो चीजें हैं, एक है ध्वनि और दूसरा है अर्थ। दोनों को जोड़ने का काम भाषा करती है। भाषा हमको एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम देती है जिसका प्रयोग करते हुए हम ध्वनियों को उनके साथ अर्थ से जोड़ देते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर हम पेड़ को पेड़ ही कहते हैं, कुर्सी को कुर्सी कहते हैं, तो क्या इन ध्वनियों में ऐसी कोई बात है? तो इसका उत्तर है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ध्वनियों और उनके पीछे जोड़े गए अर्थ के बीच जो संबंध है वो यादृच्छिक है, यानी माना गया है, माना हुआ संबंध है। तो ये जो है यादृच्छिक शब्द की परिभाषा है। फिर इस पर लंबी बातचीत की जा सकती है, लेकिन चूंकि अपना विषय भाषा की परिभाषा समझना, उसके प्रकार ही समझना आदि नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने केवल एक हिंट दिया कि इस परिभाषा के इन शब्दों को समझना जरूरी क्यों है। इसी तरह ध्वनि प्रतीक जो टर्म है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाषा ध्वनियों की व्यवस्था है। आपको ये कहना होगा कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ध्वनि और ध्वनि प्रतीक, इन दोनों में अंतर क्या है? तो जैसे मान लीजिए आप क क क मान लीजिए आपने कहा कि कोमल काम करके कल से थकी हुई कहाँ से कहाँ चली गई, इस तरह का आप बोल रहे हैं, और उसमें 10 क आ गया। तो आपके मस्तिष्क में 10 क नहीं है। अगर आप अपने जीवन में 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ बार क का प्रयोग करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में 10 करोड़ क नहीं है, एक ही है जिसके आधार पर ये 10 करोड़ बन रहे हैं। तो उसको ध्वनि प्रतीक कहेंगे, जो आपके मस्तिष्क में है। उसी को जो है हम स्वनिम भी कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी फोनीम है, और उसी से ध्वनियां बनती हैं जिनको स्वन या फोन्स कहते हैं। तो केवल दो तकनीकी शब्दों की व्याख्या करके बाकी मैं छोड़ दे रहा हूं, अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो वहां पढ़ लेंगे, या फिर कभी हम लोग केवल सैद्धांतिक भाषा विज्ञान पर बातचीत करेंगे तो उस पर भी बात होगी। अब मामला यह है कि अगर भाषा ये है, ये यानी एक ऐसी व्यवस्था है जो ध्वनि प्रतीकों के साथ अर्थ को इस प्रकार से जोड़ती है कि हम विचार करने लगते हैं। इसमें दो बातें लिखी हुई है परिभाषा में, कि जिसके द्वारा मनुष्य विचार करता है, या विचारों का आदान प्रदान करता है। तो ये दो बातें हैं। जब आप
अकेले होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, जब आप सोच रहे होते हैं, तो आपके साथ कोई है नहीं, वहां पर संप्रेषण नहीं है, वहां विचारों का आदान प्रदान नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोचते रहते हैं। तो इसका मतलब कि भाषा आपको अकेले विचार करने की सुविधा प्रदान करती है। फिर वो विचार जब आपके मन में उठने लगते हैं, कोई और आया, तो आप उसके साथ शेयर भी करते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा भी प्रदान करती है। तो ये दोनों बातें हैं। अब प्रश्न ये है कि भाषा ये कैसे करती है? भाषा ऐसी कौन सी पद्धति का उपयोग करती है, ऐसी कौन सी चीज का उपयोग करती है कि हम सोच भी लेते हैं और अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं? और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अनुप्रयुक्त से पहले अगर आप लोगों ने सैद्धांतिक ठीक से ना समझा हो तो सैद्धांतिक पर एक अलग से व्याख्यान कभी जरूर करेंगे। अभिषेक सर, सैद्धांतिक पर भी एक व्याख्यान रखिएगा अगर इससे पहले किसी ने बहुत विस्तार से या अच्छे से ना समझाया हो तो, ताकि अनुप्रयुक्त। बिल्कुल बिल्कुल सर, निश्चित रूप में। तो अब प्रश्न ये कि ऐसा वो कैसे कर पाती है, तो वह जानने के लिए हमें भाषा की उस व्यवस्था या उस संरचना का अध्ययन विश्लेषण करना पड़ेगा। वह काम कौन करता है? वह काम भाषा विज्ञान करता है। तो भाषा विज्ञान क्या है भाई? ये तो एक डिसिप्लिन है, एक तरीका है। करता कौन है? जो करता है वो भाषा वैज्ञानिक होता है, और करने के लिए एक पूरे जो मेथोडोलॉजिकल सिस्टम का उपयोग करता है उसी को हम भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा विज्ञान बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दूसरे विषय अपने अपनी विवेच्य विषय मतलब विवेच्य सामग्रियों का अध्ययन करते हैं, जैसे राजनीति विज्ञान राजनीति का करेगा, समाज विज्ञान समाज का, रसायन विज्ञान रासायनिक तत्वों का। उसी तरह भाषा विज्ञान का काम भाषा की व्यवस्था का अध्ययन करना है। अब एक प्रश्न उठता है, प्रश्न आप लोग बाद में करें, क्योंकि बीच में प्रश्न करेंगे तो फिर फ्लो भी टूटेगा, और पहले आप लोग एक समझ बना लीजिए, बहुत ध्यान से समझ बना लीजिए, इसके बाद जो है आप कोई भी प्रश्न करेंगे भाषा विज्ञान से संबंधित, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसका उत्तर दे सकूंगा और आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो भाषा की परिभाषा में बहुत जो सिन यानी जो मुख्य शब्द है जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए वो है कि व्यवस्था। उतनी बड़ी परिभाषा में से अगर बाकी सारे अनावश्यक शब्द हटा दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि केवल तीन शब्दों में, तीन तीन चार दो एक शब्दों में बताइए कि भाषा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि भाषा एक व्यवस्था है। यह एक कंप्लीट परिभाषा है। फिर इसी व्यवस्था का वो एक्सटेंशन है जो हम परिभाषा की लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो इस व्यवस्था शब्द का ही एक्सटेंशन कर रहे हैं। लेकिन न्यूनतम शब्दों में आपको बताना हो कि भाषा क्या है, तो आप एकदम आंख मूंद के और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि भाषा एक व्यवस्था है। आम क्या है? आम एक फल है। लोहा क्या है? लोहा एक धातु है। ऊंट क्या है? एक जानवर है। तो जिस तरह से इन चीजों के बारे में आप बिल्कुल गारंटी के साथ और बहुत इत्मीनान के साथ कहते हैं, वैसे ही आप भाषा के बारे में कहेंगे कि भाषा एक व्यवस्था है। और ये बिल्कुल सही और सटीक बात है, इसमें वैसे ही संशय नहीं है जैसे आम एक फल है, ऊंट एक जानवर है, आम एक पेड़ है, डॉट डॉट डॉट, बिल्कुल संशय नहीं है। सुनते ही आपको पता चल जाता है कि हाँ हाँ ये वही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वैसे ही आप कह सकते हैं। फिर अब एक प्रश्न उठेगा कि व्यवस्था क्या है भाई? तो अगर हम लोग इंटरेक्टिव क्लास में होते तो पहले आप लोगों से इनपुट लिया जाता, लेकिन 4 बज गए हैं तो समय भी कम है, मैं ही बात जारी रखता हूं। व्यवस्था है क्या? आप लोगों ने जीवन में बहुत जगह व्यवस्था देखी होगी और बहुत जगह व्यवस्था नहीं देखी होगी, और फिर आप जो है कहेंगे कि अरे यहाँ, जैसे आप शादी विवाह में गए, आप यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, और एक दूसरी जगह गए, अरे बड़ी जबरदस्त व्यवस्था थी। तो क्या अंतर था दोनों में? आप ऐसा क्या देखते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ व्यवस्था है और यहाँ व्यवस्था नहीं है? सामान्य जीवन में आप जिस चीज को देख करके समझ पाते हैं कि यहाँ व्यवस्था है और दूसरी चीज को देख के कहते हैं वहां व्यवस्था नहीं है,
वही बात भाषा पर भी लागू होगी अगर भाषा एक व्यवस्था है। ये बात वैसे ही है जैसे आप किसी चीज को देख के कहें कि यह एक फल है, तो फल पर जितनी बातें लागू होती हैं वो सब की सब आम पर भी लागू होनी चाहिए, तभी आप कहेंगे कि आम एक फल है। तो व्यवस्था के लिए दो चीजें होना अनिवार्य है, एक है इकाइयां और दूसरा है नियम। इकाइयां कह रहा हूं, इकाई नहीं, इकाइयां यानी यूनिट्स और प्लस रूल ऑब्लिक रूल्स लिख सकते हैं, लेकिन यूनिट्स जरूरी हैं। एक रूल से भी व्यवस्था बनती है, एक से अधिक रूल्स भी हो सकते हैं। इकाइयां प्लस नियम कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा। व्यवस्था ये बात उसमें दी हुई है जो परिभाषा का एक्सटेंशन वाला लिंक था उसमें दी हुई है। व्यवस्था क्या है? तो इकाइयां प्लस नियम। अगर एक ही इकाई हो तो वहां पर कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। आपको बड़ा सा मैदान है और उसमें एक मेज दे दी जाए और कहें कि इसको व्यवस्था में रख दीजिए, तो व्यवस्था में रखने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं से उठा के कहीं रख दीजिए। एक ही आइटम है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां इकाइयां होनी चाहिए। अगर आपको दो तीन चार मेजें दे दी जाए, आपको एक मेज एक कुर्सी दे दी जाए, तब फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कुर्सी और मेज को रखने का एक दूसरे के साथ पोजीशन या संबंध क्या होगा। मेज को कुर्सी के नीचे डालना है, कुर्सी के ऊपर डालना है, दाएं बाएं अगल बगल लेफ्ट राइट कहाँ डालना है। तो ये जैसे ही आपने सोचना शुरू किया कि इसको कहाँ रखना है कैसे रखना है, तो वहां से आपकी व्यवस्था शुरू होती है। तो ये मामला है व्यवस्था का। अब व्यवस्था दो तरह की हो सकती है, लेयर्स की दृष्टि से, स्तर की दृष्टि से। एक स्तरीय व्यवस्था सिंगल लेयर सिस्टम और बहुस्तरीय व्यवस्था मल्टीपल लेयर सिस्टम। आप लोगों से जितने लोगों ने कोई खाट देखी होगी, खाट या स्वेटर वेटर जो बुनते हैं, तो स्वेटर बुनने में कुछ करना नहीं है या खाट बुनने में भी कुछ नहीं करना है। क्या करते हैं, दो लड़ियां हैं, दो जगह से आई हैं, उनको केवल आपस में एक दूसरे में उलझाते जाना है, तो एक मैट टाइप की चीज तैयार हो जाएगी जिस पर लेटा जा सके, जिसको बिछाया जा सके, जिसको कुछ भी किया जा सके। तो दो चीजें हैं और एक साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए जो है एक सिंगल लेयर सिस्टम का निर्माण कर रही हैं। बारिश तो मेरे यहाँ भी आ रही है भयंकर भाई, देखिए कितनी देर हम लोग वो कर पा रहे हैं, क्योंकि 5-10 किलोमीटर पीछे दिख रही है बस। तो वो सिंगल लेयर सिस्टम है। मल्टी लेयर सिस्टम क्या है भाई? तो दूसरी हर प्रकार की चीजें मल्टी लेयर सिस्टम है। मल्टी लेयर का मतलब एक के ऊपर एक रखना नहीं, मल्टी लेयर मतलब कई प्रकार की चीजें उसमें एक साथ काम कर रही हो। आपका मोबाइल, आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल, टीवी, आपका घर, मकान, अलग अलग चीजें। जैसे आप मकान ले लीजिए तो उसमें खिड़की बनी है तो उसका अपना एक सिस्टम है खिड़की लगाने का, दरवाजा बना है उसका एक सिस्टम है, दीवालों का एक सिस्टम है, छत बनाने का एक सिस्टम है, फिर वायरिंग का एक सिस्टम है। सबको मिला दिया तब जा करके, वो सारे सिस्टम्स को मिला करके जो बड़ा सिस्टम बनता है वो आपका घर कहलाता है। मोटरसाइकिल है तो चक्का बनाने का एक सिस्टम है, इंजन बनाने का दूसरा है, बॉडी बनाने का तीसरा है, सबको मिला दिया तो आपकी मोटरसाइकिल बनी। इस तरह के सिस्टम को मल्टी लेयर सिस्टम कहते हैं, बहुस्तरीय व्यवस्था। इस दृष्टि से अगर आप भाषा को देखें तो भाषा एक बहुस्तरीय व्यवस्था है, एक मल्टी लेयर सिस्टम है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि उसमें कौन कौन से लेयर्स हैं, कौन कौन से स्तर हैं। तो भाषा वैज्ञानिकों ने जब भाषा का अध्ययन किया तो उन्होंने भाषा के स्तर बताए हैं, और वो स्तर उसमें आपके नोट्स में लिखे हुए थे। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप चाहें तो क्लास छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आधी अधूरी समझने का कोई मतलब नहीं है, आपको बनाना चाहिए था, इतनी सीरियसनेस होनी चाहिए थी। तो अगर हम सबसे छोटी इकाई से बड़ी इकाई के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में बात करें तो ये क्या है, स्वन से स्वनिम बनते हैं। स्वन को आप ध्वनि समझिए, ये ध्वनि क ख ग अ आ ई ये सब ध्वनि है, इनका एक एक प्रतीक जो आपके मन में है वो स्वनिम है। स्वनिमों को हम आपस में जोड़ते हैं तो रूपिम बनते हैं, रूपिमों को जोड़ते हैं तो शब्द या पद बनते हैं, उनको जोड़ते हैं फिर तो पदबंध बनते हैं, फिर पदबंधों को आपस में जोड़ते हैं तो उपवाक्य या वाक्य बनते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं तो बड़े वाक्य बनते हैं, और वाक्यों को भी जोड़ने से प्रोक्ति बनती है।
यही एक बड़ी व्यवस्था आपको भाषा देती है। तो ये भाषा की इकाइयां या भाषा के स्तर कहे जाते हैं, स्वनिम, रूपिम, शब्द पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य और प्रोक्ति। आप देखेंगे कि इसमें कहीं भी अर्थ नहीं है, क्योंकि अर्थ इस व्यवस्था का कोई अंग नहीं है, कोई एक अगला लेयर नहीं है। कई किताबों में या दूसरी जगहों पर आपको ऐसा दिख सकता है कि स्वनिम, रूपिम, शब्द और वाक्य के बाद अर्थ लिखा हुआ दिख सकता है, वो गलत है। जब शुरुआत में लोगों ने अंग्रेजी वालों को पढ़ करके जब ये सब चीजें बनाई, तो उन्होंने जो है अर्थ भी उसी में जोड़ते चले गए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये मतलब अर्थ का एक चैप्टर जरूर रहता है, लेकिन अर्थ इसी क्रम में नहीं है। तो फिर अर्थ कहाँ है? तो उसके आगे भाषा विज्ञान की शाखाएं जहां लिखी हुई हैं कि विभिन्न शाखाओं में अध्ययन किया जाता है, वहां पर आपको अर्थ देखने को मिल जाएगा। कि भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि जिन ध्वनियों को जोड़ करके भाषा बनाई जाती है, वो ध्वनियां अपने आप में अर्थहीन होती हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन उनको जोड़ने के बाद अर्थ वाली इकाइयां बन जाती हैं। अर्थ जो है आपका रूपिंग से ही शुरू हो जाता है, अर्थ पाया जाता है। तो इससे आप जो है समझ सकते हैं कि अर्थ एक दूसरा लेयर है, इसको आप सिक्के का दूसरा पहलू कह सकते हैं। कि सिक्के के एक साइड में पूरी की पूरी संरचना है ध्वनि और ध्वनियों को क्रमशः आपस में जोड़ना, और दूसरी ओर अर्थ जो है उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है। अर्थ निर्धारक है, डिटर्मिनर है इस बात का कि कोई ध्वनियों का कोई समूह शब्द है या नहीं, वाक्य है या नहीं, पदबंध है या नहीं। ये बात कौन बताएगा? अर्थ ही बताता है। यानी वो सिक्के के आपकी नोट के पीछे लगा हुआ ठप्पा है जो बताएगा कि ये करेंसी है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि कमल, तो ये एक शब्द है कि नहीं है? अगर कोई आपसे पूछे कि जो कमल है वो शब्द है या नहीं है, तो वो आप कहेंगे कि ये शब्द है। क्यों है भाई? क्योंकि इसका एक अर्थ है। और वही आपसे कोई कहे कि मकल, और फिर आपसे पूछे कि ये शब्द है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये शब्द नहीं है। फिर पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे कि इसलिए क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। तो अर्थ कोई इसमें अगला लेयर नहीं था, इसी के पीछे लगा था। जिसके पीछे लगा वो शब्द वेरीफाई हुआ, जिसके पीछे नहीं लगा उसको जो है शब्द के बाहर घोषित कर दिया गया। तो ये जो है स्थिति अर्थ की है। तो मुझे लगता है कि भाषा के स्तर और उनके पीछे अर्थ की स्थिति आप लोग समझ चुके होंगे। अब ये जो भाषा के स्तर हैं, स्वनिम से लेकर प्रोक्ति तक, इनका भाषा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अध्ययन किया जाता है, जिनको क्रम से वहां लिखा हुआ था। स्वनिम के लिए स्वनिम विज्ञान, रूपिम से लेकर शब्द पद तक के लिए रूप विज्ञान, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य के लिए वाक्य विज्ञान, और प्रोक्ति के लिए प्रोक्ति विज्ञान। ये भाषा विज्ञान की शाखाएं हैं जिनमें हम भाषा के इन स्तरों का अध्ययन करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन स्तरों पर भाषा अर्थ को कैसे धारण करने की व्यवस्था प्रदान करती है। तो इतना काम सैद्धांतिक भाषा विज्ञान का है। अब मान लीजिए सैद्धांतिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत आपने अध्ययन किया स्वनिम से लेकर, मान लीजिए हिंदी या किसी भी एक भाषा का आपने अध्ययन कर लिया स्वनिम से लेकर प्रोक्ति तक, और 1000, 2000, 5000 पृष्ठों में आपने 5 वॉल्यूम की किताबें निकाली, और अब आ गया आपके सामने कि हाँ यही चीज भाषा है, ऐसे ही भाषा काम करती है। अब प्रश्न ये है कि उस ज्ञान का करेंगे क्या? कोई भी ज्ञान इसलिए ज्ञान है क्योंकि उसकी कहीं कोई जरूरत होनी चाहिए। अगर जरूरत नहीं है तो वो ज्ञान नहीं है। तो प्रश्न ये है कि उस ज्ञान का हम क्या करें? तो उसका उत्तर देता है, जो भी चीज उसका उत्तर देती है उसको हम कहते हैं उसका अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, कि ये ज्ञान यहाँ काम आएगा। तो भाषा संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान जहां काम आता है उसी को हम अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान या अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। कि
भाषा का जो आपने सैद्धांतिक अध्ययन कर लिया, हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा का, अब वो जो सैद्धांतिक अध्ययन से प्राप्त ज्ञान है उसको आप कहाँ कहाँ लगाएंगे? तो जहां लगाएंगे वो जगह है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। तो ये थी आपकी बैकग्राउंडिंग, जिसमें लगभग आधा घंटा लग गया, लेकिन मुझे लगता है कि बिना बैकग्राउंडिंग के वास्तविक विषय पर चर्चा करते तो हम लोग पूरी बात नहीं समझ सकते थे कि आखिर ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे। बैकग्राउंडिंग करते करते भीषण बारिश आ गई हमारे यहाँ, तो अभिषेक सर से चर्चा करके मैं फिर आपको बताता हूँ कि आगे हम लोग बातचीत कब जारी करेंगे। अभी बारिश हो रही है, ठीक है? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। बहुत भयंकर बारिश आई है। जी जी नहीं सर, नहीं सर, निश्चित रूप से सर, उसमें सर कोई ये दिक्कत नहीं सर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि तकनीकी, मैं नहीं कहूंगा इसे, एक तरह से कहूंगा मौसमी कहूंगा या प्राकृतिक जल्दबाजी में कहूंगा कि बारिश हो गई इस वजह से, क्योंकि आप लोग भी बहुत कम संख्या में जुड़े। मैं लगातार आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि थोड़ी संख्या में, अपने संख्या में वृद्धि करें। आप लोग बहुत कम संख्या में जुड़ते हैं, बाद में आप ही लोग कहते हैं कि सर क्लास नहीं हो रही है, डाउट रह गया, चीजें समझ में नहीं गया। तो आप लोगों से निरंतर यह अनुरोध है कि कक्षा करें, क्लास नहीं करेंगे तो चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, और चीजें नहीं समझ में आएंगी तो इसका ना तो कोई दिक्कत मुझे होगी ना विषय विशेषज्ञ को होगी, दिक्कत आपको होगी। दूसरी चीज की बहुत बार विद्यार्थी यह भी कहते हैं कि सर ये हमारे सेमेस्टर का नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है। बीए के विद्यार्थी, बीएफएसटी के विद्यार्थी चीज कहते हैं, तो इन सब चीजों को भी समझिए कि आपके कोर्स में नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन आने वाले सेमेस्टर में, आने वाले छमाही में आपके कोर्स के, तो आप लोग कक्षा कर लेंगे, कक्षा में सुन लेंगे या चीजें समझ लेंगे, अपने डाउट्स क्लियर रखेंगे, तो इससे आप लोगों को आने वाले समय में किसी प्रकार कोई हानि नहीं होने वाली है। तो मेरी बार बार आप लोगों से अनुरोध है कि क्लास करें, हिंदी विषय से ही संबंधित ये कक्षाएं होती है, चाहे हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास में बात कर रहा हूँ, या चाहे मैं प्रयोजनमूलक हिंदी पे बात करूं, या अनुवाद पे बात करूं, या भाषा विज्ञान पे बात करूं, या फिर आप लोगों के काव्य शास्त्र पे बात। आप लोगों को इतनी इच्छा अपनी प्रकट करनी चाहिए कि आप लोग की कक्षा में स्वयं से आए। मैं देखता हूं क्योंकि लगातार पिछले 2 या 3 कक्षाओं से मैं देख रहा हूं आप लोग निरंतर कक्षा में नहीं आ रहे हैं, या बहुत कम संख्या में कक्षा में आ रहे हैं। हर कोई बात नहीं, सर ने अपनी बात जहां तक छोड़ी है, मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए आप सबके समक्ष बात रखता हूँ। उसके बाद फिर सर को जैसे समय मिलेगा, आज या आने वाले समय में, जब भी वो अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, अपने बात को आगे रखने का काम करेंगे। तो जैसे सर ने आप लोगों को 2-4 चीजें मोटा मोटी तौर पर स्पष्ट कर दी, जो मुख्य रूप से अर्थ किस प्रकार, जब हम भाषा की बात करते हैं, चाहे हम लोग अपने किसी भी किताब को उठा के रखें, या मैं ही अभी आप लोगों के समक्ष कह रहा हूँ, तो मैं जो बातें कह रहा हूँ उसके अर्थ आपको समझ में आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कह रहा हूँ आप लोगों के सब ऊपर से जा रहा है, लेकिन मेरी बातें आप लोगों को, बातें का मतलब यहाँ अर्थ, जैसा सर ने भी कहा कि अर्थ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, तो अर्थ आप लोगों को समझ में आ रही है। किसी भी अर्थ को समझ के आने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। भाषा विज्ञान स्वयं में अपने आप में इतना क्लिष्ट क्लिष्ट तो नहीं करूंगा, थोड़ा सा लेंदी जैसा विषय है, जिससे आप लोगों को दिक्कत भी हो रही है समझने में। लेकिन एक चीज भाषा विज्ञान ने बहुत अच्छी की है कि हमें व्याकरण दिया, व्याकरण के माध्यम से हम चीजों को स्पष्ट तौर पर, स्पष्ट यानी कि उसकी बारीकियों से समझ सकते हैं कि चीजें हमारे पास किस रूप में निकल के आ रही है। जैसे सर ने अभी अर्थ की बात की, तो एक अर्थ को, जैसा मैं कहता हूँ कि आज हमारी कक्षा भाषा विज्ञान पे है, आपने समझा कि अच्छा आज हमारी जो कक्षा होगी वो भाषा विज्ञान पे होगी हमारी कक्षा, आपने इस अर्थ को समझा। लेकिन यह अर्थ समझने के पीछे बहुत से कारक रहे हैं, जैसे सर ने अभी आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो पता चला होगा, ये कारक मुख्य रूप से कई खंडों में रहते हैं, जैसा उक्ति विज्ञान हो गया, वाक्य विज्ञान हो गया, रूप विज्ञान हो गया, स्वामीन विज्ञान हो गया, ये सभी मिलकर, जैसा प्रयुक्ति विज्ञान प्रोक्ति हमारे समक्ष रखती है, वाक्य विज्ञान हमारे समक्ष वाक्य, उपवाक्य एवं पदबंध का निर्माण करती है, रूप विज्ञान हमारे समक्ष शब्द पद का निर्माण करती है, जिसे हमें शब्द वगैरह समझने में आसानी होती है, वहीं स्वनिम विज्ञान हमारे पास स्वनिम को रखती है। इन सभी चीजों की, जो चीजें निकल के आती हैं, प्रोक्ति, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द पद, रूपनिम या स्वनिमा, ये सभी चीजें
मिल करके आयत का निर्माण करती है, जिससे हम किसी भी भाषा किसी भी शब्द को जब पढ़ते हैं तो एक स्पष्ट अर्थ निकल के आती है, उस अर्थ को हम समझते हैं। अगर वो अर्थहीन हो जाती है, अर्थहीन यानी कि यही सब जो मुख्य चीजें, जब प्रोक्ति, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, पद, रूपिंग और सोनिम, यही चीजें जब उसमें किसी भी शब्द में या किसी विषय में ना आती है तो निरर्थ हो जाती है, वो हमें समझ में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे कि अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, जैसे हम लोग अप्लाइड लिंग्विस्टिक, वो मुख्य रूप से क्या है, जो आप लोग का मोटा मोटी विषय है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, जिसपे आज पूरी कक्षा रखी गई है, आप लोगों के ब्लॉक 7 के खंड 3 के एक खंड का ही पूरा का पूरा नाम है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। तो अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहने से क्या संबंध है, जैसा अभी एक मेरे मित्र ने एक कहा, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का क्या मतलब ये होता है जो प्रयुक्त न हो या जिसे प्रयोग न किया जाए। तो इन चीजों को समझना आप लोगों के लिए भी आसानी हो, क्योंकि हिंदी साहित्य में हम लोग बात करते हैं किसी भी शब्द को जब हमें समझना हो तो उसे शब्द को तोड़ देना चाहिए, जिससे हमें अर्थ की स्पष्टता बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैं इसी पे पहले बात करता हूँ, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान क्या है उस पर पहले मैं चर्चा करता हूँ, उसके बाद हम लोग उसके अंदर जो भी विषय है मुख्य रूप से उस पर जाएंगे। तो अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की बात करें तो भाषा विज्ञान मानव भाषाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से सैद्धांतिक अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान जो है वो मानव भाषाओं का, मानव, इसमें एक प्रश्न अभी किन्हीं ने पूछा अभी तक कि मानव भाषाओं का संबंध केवल मानव से है यानी कि मनुष्य से है, इसके अंतर्गत पशु और पक्षी नहीं आएंगे। तो मैं ये चीज कह दूं कि पशु और पक्षी जिसके अंदर आते हैं, जब हम मानव की बात करते हैं तो हम लोग लिविंग थिंग की, जिनके अंदर प्राण हो उसकी बात करते हैं। तो अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहने का संबंध यह है कि भाषा विज्ञान मानव भाषाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से सैद्धांतिक अध्ययन करता है। किंतु आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि उस अध्ययन का हम करेंगे क्या? इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप उन क्षेत्रों की चर्चा की जाती है जिनमें भाषा के सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है, उन सभी क्षेत्रों को अनुप्रयुक्त क्षेत्र कहते हैं और उन्हें सामूहिक रूप से अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। इन क्षेत्रों के प्रयोग, रूप और प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित 3 वर्ग किए जाते हैं, जो पहला होता है व्यवहारिक अनुप्रयोग, दूसरा होता है अंतर अनुशासनिक अनुप्रयोग और तीसरा होता है सबसे मुख्य जो आज के दौर में बहुत तेजी से निकल के आ रहा है, तकनीकी अनुप्रयोग। तकनीकी अनुप्रयोग का ही कमाल है कि आज मैं आपके समक्ष बैठ के इस ऑनलाइन कक्षा ले रहा हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोग जो प्रश्न टाइप कर रहे हैं हिंदी में, जितने लोगों ने प्रश्न टाइप किया है वो प्रश्न आप हिंदी में टाइप कर रहे हैं, क्योंकि एक दौर था आप लोगों ने देखा होगा जब कंप्यूटर में अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा को जगह नहीं दी जाती थी और उसका एक अपना तरह से सॉफ्टवेयर ही डेवलप नहीं था। तो आज जो हम बात करते हैं तीसरी जो तकनीकी अनुप्रयोग, तो ये इसी का बढ़ता हुआ रूप है, भाषा विज्ञान का एक बढ़ता हुआ रूप है, जैसे तकनीकी उपयोग करके हमारे समक्ष हमारी भाषा को और भी सुव्यवस्थित और तकनीक के साथ आधुनिक करने का प्रयास किया गया हो। तो यहीं पे मैं आगे बढ़ती हूँ चर्चा, मुख्य रूप से मैं व्यवहारिक अनुप्रयोग, अंतर अनुशासनिक अनुप्रयोग और तकनीकी अनुप्रयोग, इन पे अपनी बात रख के इस कक्षा को खत्म करूंगा, क्योंकि चीजें बहुत सी, विषय बहुत सारी हैं, तो विषय विषय के हमारे समक्ष मौजूद है, तो मेरा उस पर चर्चा करना है कुछ कहना उचित नहीं लगता, वो अपनी बात रखें तो आज ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा अनुभवी है और इस विषय के ज्यादा विषय विशेषज्ञ है, फिर भी उनके उनके यहाँ पे न रहने के कारण मैं उनके जो मुख्य बिंदु जहां तक उन्होंने छुटा था इसे कंप्लीट कर दूं, इसके आगे के। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना आशीष जी? हम आ रहे हैं। जी, धन्यवाद धन्यवाद, अब माइक को म्यूट कर लें। जी, तो व्यवहारिक अनुप्रयोग पे हम बात करते हैं, व्यवहारिक अनुप्रयोग जिसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो यहाँ पे व्यवहारिक शब्द का तात्पर्य वास्तविक जीवन में सीधे सीधे अनुप्रयोग, वास्तविक जीवन अनुप्रयोग मतलब जिसका हम लोग अपने वास्तविक जीवन में सीधे तौर पर अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग में ला सकते हैं, उसे कहा जाता है व्यवहारिक अनुप्रयोग। मानव जीवन के अनेक कार्य ऐसे हैं जिनमें भाषा वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये कार्य मुख्यतः भाषा और अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं, जैसे अनुवाद का कार्य,
कोश निर्माण, कोश का अंतर शब्द शब्दावली जिसे कहते हैं शब्दकोश, शब्दकोश कोश का निर्माण का कार्य आदि, इन सभी क्षेत्रों में भाषा वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हुए ऐसी वस्तुओं का निर्माण या विकास किया जाता है जिन्हें वास्तविक जीवन में देखा जाता है और प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अनुवाद में दो भाषाओं के भाषा वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है और इसके माध्यम से लक्ष्य भाषा में एक अनुदित पाठ्य प्राप्त होता है। कोश विज्ञान में विभिन्न भाषा विज्ञान के कोशों का निर्माण किया जाता है। यहाँ दो शब्द मुख्य रूप से निकल के आए हैं जो आप लोगों ने शायद पहले ना सुना हो, तो मैं उसे आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे जब बात की या एक उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे अनुवाद में दो भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किया, दो भाषाओं का संबंध एक जिस भाषा में हम अनुवाद करना है और दूसरा वह भाषा जिस भाषा में वो मुख्य पृष्ठ या मुख्य किताब कहें या मुख्य विषय हमारे समक्ष मौजूद है। जैसा उदाहरण देता हूँ कि मुझे किसी एक उड़िया उपन्यास का अनुवाद करना है हिंदी में, तो जो वो उपन्यास है वो मुख्य रूप से जो मूल उपन्यास है ओडिया में वो मूल हो गया, जिससे मुझे ट्रांसलेट करना है हिंदी में, और उस वो हो जाएगी लक्ष्य भाषा जो यहाँ पे एक शब्द कहा गया है ना, अनुवाद में दो भाषाओं के भाषा वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है, वो दो भाषा हो गए एक ओडिया एक हिंदी। ये उदाहरण के तौर पर, ये नहीं कि ओडिया हिंदी, दो भाषा कोई भी हो सकती है जिसमें अनुवाद किया जाए किया जाता है। इसके माध्यम से लक्ष्य भाषा में एक अनुदित पाठ प्राप्त होता है। जो लक्ष्य भाषा में अनुदित पाठ्य का मतलब जो निकल के आता है जिसमें हम अनुवाद कहते हैं, जैसे मैं अगर उड़िया उपन्यास का अनुवाद हिंदी में करता हूँ, हिंदी में जो मैं लिख लेता हूँ तो वो मेरी लक्ष्य भाषा कहलाएगी वो उपन्यास, तो अनुवादित किया जाता है। दूसरा एक शब्द आता है कोश विज्ञान में विभिन्न भाषाओं के कोशों का निर्माण किया जाता है। कोश विज्ञान शब्दकोश में, शब्दकोश निर्माण के समय ये मुख्य चीज देखी जाती है कि शब्दकोश में कोई ऐसी भाषा न ले आई जाए जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, या कोई ऐसी भाषा ना छूट जाए जिसका समाज उपयोग करता है वो अर्थ में आता है और हम अपने कोश में उसे रखने से छूट गए हैं। तो भाषा विज्ञान की जब हम बात करते हैं, व्यवहारिक अनुप्रयोग की बात करते हैं, तो उसमें शब्दकोश के निर्माण में इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग का बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब शब्दकोश का हम निर्माण करते हैं तो ऐसे कोशों ऐसे शब्दों को हमें ढूंढना पड़ता है समाज जिसका उपयोग कर रही हो और समाज में जिसका अर्थ हो, क्योंकि अर्थ विहीन अगर कोई शब्द उसमें अगर हम लोग समेट लेते हैं या उसमें जगह दे देते हैं तो उससे हमारी जो लेखनी होती है या हमारे कोश का निर्माण होता है वो प्रभावित होता है। दूसरा मुख्य चीज, आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो मुख्य रूप से बात मैं कह रहा था कि अंतर अनुशासनिक अनुप्रयोग, तो अंतर अनुशासनिक अनुप्रयोग क्या होते हैं? तो इस प्रयोग के अनुप्रयोगों को ज्ञानार्जन आधारित अनुप्रयोग भी कहा जा सकता है। भाषा विज्ञान के अंतर अनुशासनिक या ज्ञानार्जन आधारित अनुप्रयोग का तात्पर्य भाषा वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग अन्य शास्त्रों के साथ मिलकर करते हुए भाषा के सभी पक्षों के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने से है। इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ जिसमें आपको समझने में आसानी होगी। जैसे समाज, न्यूरॉन, मन, साहित्य, और बीच में आप भाषा को रख के समझिए कि जब हम बात करते हैं सॉरी कि जब हम बात करते हैं अंतर अनुशासनिक अनुप्रयोग की, तो इस प्रकार के अनुप्रयोगों को ज्ञानार्जन आधारित, यानी कि यहाँ पे जो भी अनुप्रयोग होते हैं वो ज्ञान के मार्ग द्वारा आधारित या ज्ञान के धरातल पे आधारित अनुप्रयोग होते हैं जिसे हम लोग अंतर अनुशासनिक अनुप्रयोग कहते हैं। इसके अंतर्गत भाषा विज्ञान के अंतर अनुशासनिक मतलब एक शब्द का एक विषय का दूसरे विषय से किसी तौर पर यानी कि जो भाषा, जब हम बात करते हैं भाषा परिवार जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा, उसमें विषय का भी एक परिवार होता है। जैसे सोशल साइंस हम लोग कहते हैं, लिंग्विस्टिक कहते हैं, साइंस कहते हैं, सोशल साइंस के अंतर्गत बहुत सारे विषय आ जाते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान आपका सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, राजनीति विज्ञान आता है, अर्थशास्त्र आता है, उसके बाद हम लोग अगर बात करें डेटा मैनेजमेंट वो आता है, तो ये सब सोशल साइंस के परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो यही यहाँ पे कहना है कि भाषा विज्ञान के अंतर अनुशासनिक यानी भाषा विज्ञान के अंतर अनुशासनिक विषय जो है, जैसे हिंदी साहित्य है या साहित्य विज्ञान अन्य भाषा है, अंग्रेजी में भी लिंग्विस्टिक का प्रयोग होता है उसे भी रह सकते हैं, या जो साहित्यिक भाषा जैसे उर्दू हो, तो इन सभी अंतर अनुशासनिक या ज्ञानार्जन आधारित अनुप्रयोग का तात्पर्य भाषा वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग अन्य शास्त्रों के साथ मिलकर करते हुए
भाषा के सभी पक्षों के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं, यानी कि भाषा विज्ञान के विषय परिवार से संबंधित जो भी भाषाएं हैं या जो भी विषय हैं उनके साथ मिल करके एक नया भाषा या एक नए ज्ञान का निर्माण को हम लोग अंतर अनुशासनिक अनुप्रयोग कहते हैं। इस आधार पर बनने वाले अंतर अनुशासनिक अनुप्रयोगों के क्षेत्र इस प्रकार है, जैसे भाषा विज्ञान उसके मुख्य दो भेद अगर हम लोग निकाले तो सैद्धांतिक पक्ष हो गया, एक अनुप्रयुक्त पक्ष हो जाएगा। और जब हम अनुप्रयुक्त पक्ष को फिर बारीकी से तोड़े तो उसके अंतर्गत फिर मुख्य रूप से तीन चीजें निकल के आती हैं, एक व्यवहारिक पक्ष, दूसरा अंतर अनुशासनिक अथवा ज्ञानार्जन आधारित अनुप्रयोग, तीसरा तकनीकी अनुप्रयोग। फिर जब हम अंतर अनुशासनिक आधारित अनुप्रयोग को तोड़ते हैं तो वो चार खंडों में विभाजित होती है। पहला होता है समाज भाषा विज्ञान, दूसरा होता है मनोभाषा विज्ञान, तीसरा होता है न्यूरो भाषा विज्ञान और चौथा होता है शैली विज्ञान। तो इसी को जब हम भेद करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल के आती है, सामाजिक विज्ञान हो गया, मनोभाषा विज्ञान हो गया, न्यूरो भाषा विज्ञान हो गया, शैली भाषा विज्ञान, जिसे हम तोड़ते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे फिर क्षेत्र हैं, इस पर चर्चा करना चूंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं उस विषय को छोड़ता हूँ, उस विषय को अगले क्लास में सर समेटने का प्रयास करेंगे। मैं आगे बढ़ती हुई जल्दी जल्दी मैं बातों को विराम दूंगा, तकनीकी अनुप्रयोग पे मैं अंत में इस पर चर्चा करता हूँ। तकनीकी अनुप्रयोग जिसे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन भी हम लोग कहते हैं, भाषा वैज्ञानिक ज्ञान का तकनीकी क्षेत्र में अनुप्रयोगात्मक पक्ष मुख्यतः तकनीक क्षेत्र के आधुनिक आविष्कार है। आधुनिक आविष्कार जैसे अभी आप और हम उपयोग कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र के आधुनिक आविष्कारों, संगणक, मोबाइल, संगणक क्या नहीं, कंप्यूटर, कंप्यूटर का आप लोग को ज्ञात होगा कि हाल फिलहाल में वर्ष दो वर्ष पहले कंप्यूटर को हम लोग कंप्यूटर के रूप में ही उपयोग कर नाम रखते थे हिंदी में, लेकिन अब उसको नया एक शब्द दे दिया गया, सब संगणक के तौर पर उच्चारित किया जाता है, ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। तो संगणक, मोबाइल और अन्य स्वचालित मशीनों के विकास से संबंधित है। दूसरे शब्दों में भाषा विज्ञान का तकनीकी अनुप्रयोग डिजिटल मशीनों मुख्यतः संगणक से जुड़ा हुआ है। आज अनेक सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोग प्रणाली जिसे एप्लीकेशन सिस्टम भी कहते हैं, अनुप्रयोग प्रणाली का विकास संगणक द्वारा किया जा रहा है। यह हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इनका प्रयोग करते हुए आज हम पहले की अपेक्षा अधिक सरलता से और तेजी से अपने दैनिक कार्यालय कार्यालय एवं व्यावसायिक कार्यों को कर लेते हैं, किंतु सत्य है कि हमारे सभी कार्य किसी न किसी रूप में भाषा से जुड़े हुए हैं। इसलिए संगणक को और अधिक उपयोगी बनने के लिए इसमें भाषिक ज्ञान को स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। एक चीज यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे यह कहा गया है कि ये सब चीज जब हम तकनीकी अनुप्रयोग की बात करें या अंतर अनुशासनिक अनुप्रयोग या व्यवहारिक अनुप्रयोग, सब चीज कहीं ना कहीं से जुड़ आ करके भाषा पे ही ठहरते हैं, क्योंकि भाषा एक माध्यम है संप्रेषण का। बिना भाषा के ना आप किसी से संप्रेषण कर सकते हैं, ना मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूं, ना आप अपने प्रश्न मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो भाषा एक बहुत मुख्य कारण है या एक तरह से बिंदु है जिसके इर्द गिर्द ये सभी विषय, चाहे तकनीकी अंतर अनुशासनिक हो, अंतर अनुशासनिक हो या व्यवहारिक अनुप्रयोग, ये सभी चीज केंद्रित होते हैं। दूसरी चीज जब हम बात करते हैं तकनीकी अनुप्रयोग, तो तकनीकी अनुप्रयोग का सबसे अच्छा उदाहरण हम आज के समय में मशीनीकरण को, मशीनीकरण यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं मशीनी अनुवाद, उसको हम बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अनुवाद एक तो होता है गूगल ट्रांसलेट में, हम लोग जो चीज डाला उसे वो उल्टा कर देता है, गूगल ट्रांसलेशन पूर्णतः सटीक नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर निरंतर अखबार पढ़ते हैं या तैयारी करते हैं जनरल कॉम्पिटिशन, तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल वर्ष दो वर्ष पहले यूपीएससी की परीक्षा हुई थी जिसमें अंग्रेजी और हिंदी में प्रश्न पत्र बने थे, तो जैसे स्टील प्लांट का उसमें हिंदी में लिख दिया गया था स्टील का घर, तो यह उचित अनुवाद नहीं हुआ उस चीज का। इसका मुख्य कारण यह था कि वह अनुवाद हम लोगों ने गूगल ट्रांसलेट में कर लिया। तो जब हम बात करते हैं तकनीकी अनुप्रयोग की, तो तकनीकी अनुप्रयोग में सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं मशीनी अनुवाद। मशीनी अनुवाद में क्या होता है, जब मशीनी अनुवाद में यह नहीं कि हम लोगों ने हिंदी, अंग्रेजी या उड़िया में किसी एक शब्द को डाला और हमें जिस शब्द में चाहिए वो शब्द हमने फीड कर दिया कि हमने उड़िया में एक शब्द डाला, हमें उसका हिंदी में अनुवाद चाहिए, अंग्रेजी में एक शब्द डाला, हमें उसका हिंदी में अनुवाद चाहिए, वो पूरा सटीक अनुवाद कर देगा स्वयं, जैसा गूगल ट्रांसलेट करता है, यह नहीं है। जब हम मशीनी अनुवाद की बात करते हैं तो मशीनी अनुवाद में भाषा का बहुत बहुत ज्यादा महत्व होता है,
हमें पहले भाषा फीड करनी होती है, यानी उसे उसके अंदर प्रस्तुत करनी होती है, सेव करनी होती है। जैसा मैं बात करूं, जैसा आप लोगों के पाठ्यक्रम में बात करूं, जब हम लोग बात करते हैं MHD 07 और हम लोग लिखते हैं खंड 3, अंग्रेजी में उसे ब्लॉक कहते हैं, जैसे ब्लॉक 3, अगर मैं वहां पे ब्लॉक लिख दूंगा और उसे मैं चाहूंगा कि हिंदी में ब्लॉक का वो अनुवाद करे, तो जरूरी नहीं वो खंड करेगा। जैसा मैं उससे भी मैं अगर एक सटीक उदाहरण दूं, जब हम कैपिटल की बात करते हैं, CAPITAL कैपिटल शब्द को मैंने फीड किया, मुझे मशीनी अनुवाद करना है कैपिटल शब्द का, उस शब्द को कैपिटल को मैंने मशीनी अनुवाद के अंतर्गत रखा कैपिटल, और मैंने इसका हिंदी अनुवाद चाहा कैपिटल का, वो हिंदी अनुवाद क्या करके देगा मुझे? कैपिटल का हिंदी अनुवाद राजधानी करके देगा, लेकिन क्या मैं राजधानी चाहता हूँ? कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ राजधानी ही अर्थ होता है क्या? कैपिटल का अर्थ अगर हम लोग कॉमर्स के सेक्टर में जाए, कैपिटल का अर्थ उसका भिन्न नहीं होता राजधानी से। तो भाषा का महत्व, जब मैं कहता हूँ कि भाषा के बहुत महत्व है, जब हम भाषा विज्ञान में या तकनीकी अनुप्रयोग की बात करते हैं, तो उसका महत्व इस तरह से है कि वहां पे भाषा के संबंध में अच्छा ज्ञान रखने वाले एक मनुष्य की भी आवश्यकता होती है, जो हर शब्द को उचित जो भी निकल करके आएगा मशीनी ट्रांसलेशन के बाद, जो भी भाषा हमारे सामने या जो भी लक्ष्य भाषा हमारे सामने निकल के आएगी, उस भाषा को सटीक रूप से उसके अंदर फीड कर सके। जैसा कैपिटल का शब्द अगर हमें कैपिटल कॉमर्स में चाहिए, कॉमर्स का कोई व्यक्ति कैपिटल शब्द को ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसका जो अर्थ कैपिटल निकल के आएगा, हिंदी साहित्य या अन्य विषय जो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी, उसके लिए वो कैपिटल का अर्थ राजधानी निकल के आएगा। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, भाषा का अपना महत्व होता है, भाषाविद का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि एक अच्छा भाषाविद जिसे 2 भाषा या 3 भाषा या उस भाषा का अच्छा ज्ञान हो, वही मशीनी अनुवाद को सफल बना सकता है। तो जो सर ने बात की, चर्चा आरंभ की थी, तो उस चर्चा को मैं खत्म करता हूँ। और जैसा सर ने कहा था, मुख्य रूप से उन्होंने अपना चर्चा प्रारंभ किया था अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान पे, और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत उन्होंने मुख्य रूप से व्यवहारिक अनुप्रयोग, अंतर अनुशासनिक अनुप्रयोग एवं तकनीकी अनुप्रयोग पर चर्चा की। तो सर के बाद मेरी जो भी समझ रही है भाषा विज्ञान से को लेकर के, मैंने आप सबके समझ रखी। इसके इतर आपके जो कुछ भी विषय रह गए हो, वो अगली क्लास में जब भी हमारी क्लास होगी उस विषय पे सर जब अपना समय देंगे, तो उसके बाद उस पर चर्चा करके की जाएगी। जितना सर ने पढ़ाया, तो सर से नहीं, मैंने जितना आप लोगों के समक्ष रखा, अगर उससे आप लोगों को कोई प्रश्न, कोई दुविधा, कोई शंका आपके मन में हो, तो आप अपने प्रश्न मेरे समक्ष रखे, मैं अपने ज्ञान से या जितना मैं समर्थ हूँ उतना मैं आपके जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो उसे आप लोग रखें, लिख करके भी रख सकते हैं, या आप लोगों को अगर लिखने में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके सीधे सीधे तौर पर मुझसे भी पूछ सकते हैं। किसी के कोई प्रश्न नहीं? चलिए, अच्छा, रश्मि जी ने एक प्रश्न पूछा है, धन्यवाद जो लोग भी प्रश्न पूछ रहे हैं। भाषा विज्ञान और व्याकरण में क्या अंतर होता है? अच्छा, इसका अगर मैं सीधा सीधा मैं इसका आपकी प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, मैं आपको आपके समक्ष एक आपके प्रश्न का उत्तर मैं एक प्रश्न के माध्यम से ही रखता हूँ। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य में क्या अंतर है? आप लोग खुद सोचिएगा। रश्मि जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, आप ये ना सोचिए कि मैं किसी भी प्रकार से आलोचना करूं, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, ये चीज है जो समझ में नहीं आती, लेकिन इसका एक उत्तर यह है कि हिंदी भाषा हिंदी साहित्य में जितना अंतर है उतना ही अंतर भाषा विज्ञान और व्याकरण में। मोटा मोटी तौर पर मैं आपको बता दूं, जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण सीमित हो जाती है, व्याकरण जो है उसकी अपनी सीमाएं है, वो सीमित है। व्याकरण के अंतर्गत हम लोग भी जो व्याकरण के मुख्य रूप से, जैसे अगर मैं कहूँ शब्द है, भेद है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, ये जो मुख्य रूप से ये अंतर है व्याकरण में लेकर के स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यहाँ तक सीमित रह जाती है। लेकिन जब हम भाषा विज्ञान की बात करते हैं, ये खुद में बहुत बड़ा एक हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। इसके भाषा विज्ञान के अंतर्गत व्याकरण आता है, एक चीज समझ लीजिए। भाषा विज्ञान की जब हम बात करते हैं विषय की, तो भाषा विज्ञान बहुत स्वयं में बहुत बड़ा ब्रॉड चीज हो जाता है, और भाषा विज्ञान किसी एक विषय का
या किसी एक साहित्य का बन के नहीं रहता। भाषा विज्ञान का परिवार बहुत बड़ा होता है। भाषा विज्ञान अंग्रेजी को भी अपने अंदर समेटती है, भाषा विज्ञान हिंदी को भी समेटती है, भाषा विज्ञान उर्दू को भी समेटेगी, भाषा विज्ञान उड़िया को भी अपने अंदर समेटेगी। तो जो भी साहित्यिक चीज है जो भाषा को उपयोग करता है वो हर विषय भाषा विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन व्याकरण जो है वो चीजों को, विषयों को, आपके भाषाओं को शुद्ध करने में सहायक होती है। भाषा विज्ञान आपके भाषा के निर्माण से लेकर के भाषा के व्यवहार तक की जो पूरी की पूरी जो भी प्रक्रिया होती है उस पर चर्चा करती है। व्याकरण आपसे पास चर्चा करती है आपकी भाषा को शुद्ध बनाने में, आपकी भाषा को स्पष्ट बनाने में मात्रात्मक तौर पर, और मात्रात्मक तौर पर मैं बात करूं और तरह संप्रेषणीय तौर पर अच्छा, बेहतर, अच्छा बनाने में कारगर होती है व्याकरण। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई हो। अगर न समझ में आई हो तो आप लिख सकती हैं, समझ में ना आया मैं दोबारा कह दूंगा। चलिए धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? अगर आप लोगों को प्रश्न हो तो बताइए, अन्यथा यहाँ पे समय, आपका भी समय मूल्यवान है, मेरा भी समय मूल्यवान है, तो अपना समय जाया कर कोई फायदा नहीं। कोई प्रश्न है तो जल्दी जल्दी मेरे समक्ष रखें। लिखने में दिक्कत हो रही हो, समय लग रहा है, अपने माइक को अनम्यूट करके अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आसिफ जी ने एक प्रश्न पूछा है, एक सेकंड में देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा हाँ, भाषा की आर्थिक संरचना क्या है? आर्थिक या आर्थिक? आसिफ जी आपका ने जो प्रश्न पूछा है पहले, हाँ भाषा की आर्थिक स्थिति जी, आपने जो प्रश्न पूछा है पहले तो चीज आपको मैं बता दूं कि प्रश्न सिर्फ पूछने के लिए ना पूछे, विषय से संबंधित पूछे। तो आपके जो ये अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान है MHD 07 का खंड 3, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। यह प्रश्न आपके जो ब्लॉक 2 है उससे संबंधित है, हिंदी संरचना के अंतर्गत आता है। जब हम ध्वनि संरचना, रूप शब्द वाक्य संरचना में बात करते हैं उसके अंतर्गत यह आता है। तो भाषा की आर्थिक संरचना का अगर आपको कोई द्वंद दुविधा है तो मुझे भी सही बताऊं तो मुझे भी इसका उचित उत्तर मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि जी पढ़े हुए आपकी आज की कक्षा थी अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, तो मैं उस पर थोड़ी बहुत तैयारी मैंने की हुई थी, तो माफ कीजिएगा उस पर मैं उत्तर देने में अभी समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। जितना मुझे समझ है अगर मैं गलत बताऊं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, तो मैं एक बार पढ़ लूँ तो उसके बाद मैं इसका उत्तर दूंगा। जी धन्यवाद। इसके इतर अगर आप लोगों से अनुरोध है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेगा, यह ना कि पूछने के लिए कुछ भी पूछ लें, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को भाषा विज्ञान से संबंधित पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे पूछ देंगे कि भक्ति काल के मुख्य 4-5 कवियों के नाम बताइए, तो ये स्वयं में 2 अलग अलग धाराएं हो जाएंगी। इसलिए विषय पर केंद्रित रहे, विषय के इर्द अगर कोई प्रश्न हो तो आप हम लोग आपस में बातचीत होती रहती है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसके थ्रू भी आप अपने प्रश्न मुझ तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग, हेलो असित जी कुछ प्रश्न हाँ है सर जी। ये भाषा अर्जन और भाषा अधिगम ये क्या है सर? हाँ, भाषा अर्जन और अधिगम ये स्वयं में स्पष्ट है। आपने जैसा प्रश्न किया आपको, आप कुछ नहीं सिर्फ अर्जन और अधिगम ये 2 शब्द क्या आपको समझेंगे तो आपको खुद समझ में आया। अधिगम यानी कि अनुकरण करना, जैसा एक बच्चे को कहा जाए कि जब छोटा बच्चा होता है, मैं उदाहरण एक देता हूँ चाहिए चीजें आपको। लग रहा है सर ने वापिस यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। धनजी सर, सर पुनः आपका सर स्वागत है। चलिए बारिश में व्यवधान संख्या जी 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 सर, बीच में जो व्यवधान था उस दौरान आपने कुछ लोगों से अगर फीडबैक लिया हो और मुझे सूचित करें। जी जी नहीं सर, मैं विद्यार्थियों से उसी के संबंध में चर्चा ही कर रहा था। व्यवहार विद्यार्थियों से बात हो रही थी, जैसा मैंने आप लोगों ने नोट्स जो भेजा था तो उसी के संबंध में विद्यार्थियों से बात हो रही थी।
कि व्यावहारिक अनुप्रयोग और अंतर अनुशासनिक अनुप्रयोग, तकनीकी अनुप्रयोग पे उसी पे हल्की फुल्की बात हो रही थी अच्छा, जी। तो सर अगर आप चाहें तो अपने विषय को सर आगे पढ़ा सकते हैं, नहीं तो विद्यार्थियों का कहना था कि उन्होंने, उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है, मैं उसी में बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि तैयारी करके वापिस से नेक्स्ट क्लास कीजिए ताकि चीजें स्पष्ट तौर पर उनको भी समझ में आए सर। तो जी सर, कैसा किया जाए बताइए आप। सर मैं तो यही कहूंगा क्योंकि चीजें पहले से स्पष्ट हो तो उन्हें भी आसानी होती है चीजें समझना, क्योंकि भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र की बात करती है तो स्वयं में थोड़ा सा क्लिष्ट विषय हो जाता है, विद्यार्थियों को उसे जी पहले से पढ़ना पड़ता है। तो मेरी भी अनुरोध होगी कि सर विद्यार्थियों को समय दें और उसके बाद फिर जब एक समय मिलता है आपके द्वारा भी और मुझे भी, तो इस वापिस से पुनः इस विषय पे एक चर्चा परिचर्चा वापिस से कराई जाए। तो ठीक है, अगले हफ्ते में फिर से डील कर लीजिए। चलिए जी 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 सर, जी सर, ठीक जी सर, है, बहुत बहुत इतने तक में सर। किसी का कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। इतने तक में सर एक प्रश्न एक विद्यार्थी ने लिखा था, हाँ अतनी जी ने, वो आप नहीं थे, आप लोग ये चले गए थे बीच में इस वजह से। हाँ उन्होंने एक प्रश्न लिखा था जो, एक सेकंड सर मैं देख लूँ। हाँ, उनका एक प्रश्न था, जब आपने शुरू में आपने बात की थी कि परिभाषा, भाषा की परिभाषा के शब्द जो बहुत सारे थे उसमें जो मनुष्य का शब्द एक जो उपयोग हुआ था, मनुष्य जैसे यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक व्यवस्था मनुष्य, तो उस मनुष्य शब्द को भाषा की अवधारणा के अंतर्गत मनुष्य जो है उसको उन्होंने एक प्रश्न लिखा था, जहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि भाषा विज्ञान में प्रयुक्त भाषा शब्द का संबंध केवल मानव प्राणियों से है। तो उसी पे उन्होंने प्रश्न किया कि क्या इसका संबंध मानव प्राणी का हम सिर्फ मनुष्य से समझे या पशु पक्षियों का संबंध भाषा से नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी भी तो किन्हीं ना किन्हीं भाषा माध्यम का या सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे वो आपस में संवाद करते हैं, तो इसका क्या अर्थ सिर्फ पशु मनुष्य तक ही है। उन्होंने इस पे एक प्रश्न किया था। अच्छा, बैकग्राउंडिंग पढ़ ही लेना चाहिए, पढ़ लिया तो प्रश्न आया, और ये जी प्रश्न आना ही चाहिए। इस तरह के प्रश्नों का आना ही इस बात का परिचायक है कि आप पढ़ रहे हैं और मन से पढ़ रहे हैं। जी क्योंकि सर, जैसे ही हम भाषा पर चर्चा शुरू करते हैं, विद्यार्थियों के मन में पहला प्रश्न ही आता है, इस मनुष्य शब्द से बड़ा जो है लोग, मतलब आकस्मिक रूप से अचानक से आता है जब लोगों के बीच ये प्रश्न कि, तो चूंकि हम जिस भौगोलिक पृष्ठभूमि में रह रहे हैं, भौगोलिक भी ना कहें, प्राकृतिक कहें, नेचुरल इन्वायरमेंट में जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें हमें दिखता है कि प्राणी के नाम पर केवल मनुष्य ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लाखों प्रकार के जीव हैं, और केवल मनुष्य ही आपस में संवाद नहीं करता, बल्कि सब एक दूसरे से संवाद करते हैं अपनी जाति में। एक चींटी भी ऐसा कर लेती है, जबकि एक चींटी की लंबाई मुश्किल से 1 इंच या उससे थोड़ी बहुत कम ही होती है, इतना छोटा जीव, और वह भी आपस में संवाद कर लेता है। तो फिर यह प्रश्न उठना ही चाहिए कि जब हम भाषा की परिभाषा दे रहे हैं तो उसे केवल मनुष्यों तक ही हमने सीमित करके क्यों रखा है भाई, बाकी लोग कहाँ गए? चींटी हुई, मधुमक्खियां हुई, डॉल्फिन हुई, बंदर हुए, हाथी हुए, सब अपने अपने तरीके से अपने समाज में विचारों का आदान प्रदान करते करते हैं। तो इस अन्य प्राणियों ने जो बातें की और मनुष्य के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्यों अंतर है, और हम उनको क्यों नहीं अपनी परिभाषा में सम्मिलित कर रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा सस्यूर ने एक प्रतीक की अवधारणा दी है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइन। साइन में उन्होंने साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड की संकल्पना दी है। जिसको हम संकेत, संकेतक और संकेतित कहते हैं। मैं फिर से भेज दूंगा वो ससुर वाला भी, अगर किसी को ज्यादा रुचि हो, थोड़ी अधिक रुचि हो जाए तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ लें, अच्छी अच्छी बात है। और
अभिषेक सर, अगर अगर लेक्चर रखना ही रहा तो दो रखिए, एक सैद्धांतिक भाषा विज्ञान पर भी रख ही लीजिए, क्योंकि जी, निश्चित तौर पर, निश्चित ये तौर पर सब सर। जो, हाँ, जो अवधारणाएं हैं ना, आपस में एक दूसरे से बड़ी मिली हुई हैं, जी 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 और हर जी अवधारणा दूसरे को प्रभावित करती है, तो जब तक एक बैकग्राउंडिंग ना हो जाए तब जी तक असली समझ में नहीं आती कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। बिल्कुल सर। थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। सैद्धांतिक की अधिकांश चीजें बहुत कम शब्दों में आ ही गई हैं, जी। उन्होंने संकेत की अवधारणा में कहा कि संकेत एक ऐसी चीज है जो संकेतक को संकेतित से जोड़ता है, साइन एक ऐसी चीज है जो सिग्निफायर को सिग्निफाइड से जोड़ता है, और हर प्राणी या मनुष्य भी संकेतों का प्रयोग करता है। वे संकेत अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो जब हम भाषा एक व्यवस्था की बात करते हैं, तो वो जो जिसे हमने कहा ना कि भाई आम एक फल है, तो भाषा एक व्यवस्था है, तो व्यवस्थाएं कई तरह की हैं, जिनमें एक है मानव भाषा, और यह बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, बाकी प्राणी जिनका प्रयोग करते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। जितनी संकेतों का प्रयोग कुत्ते, बिल्ली, हाथी या दूसरे जानवर करते हैं, उतने या उससे अधिक संकेतों का प्रयोग तो हम ट्रैफिक सिस्टम में करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दूसरे प्राणियों द्वारा प्रयुक्त भाषाई संकेत, भाषाई ना मतलब संकेतिक जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था किस तरह की है, तो वैसी ही है जैसे आप यातायात के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, कि रेड का मतलब है रुक जाना, येलो का मतलब है तैयार होना, और ग्रीन का मतलब है चल देना, लेफ्ट राइट सामने या आगे अवरोधक है, घुमाव है, क्या है, वो सारे जब आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते होंगे तो आपको पूरे सिंबल्स पढ़ाए जाते हैं। अभी तो परीक्षाएं जो ऑनलाइन टाइप के वहां हो गए हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड, तो उसमें आपको पूरा सिंबल, 140 सिंबल्स हैं लगभग। तो अगर हमारी यातायात व्यवस्था में 140 सिंबल्स हैं, तो दूसरे प्राणियों में 100 से अधिक नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं, या लगभग उतने ही हैं ऐसा आप कह सकते हैं दावे के साथ। पहले वाले मैंने कहा मान सकते हैं, दूसरे में कह सकते हैं। तो केवल 100 शब्द, मान लीजिए आप एक ऐसी भाषा बनाते हैं जिसमें केवल 100 शब्द हैं, और आप कहिए कि जो है ये भी वैसी ही भाषा है जैसी मानव भाषा, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बच्चों को खेलने के लिए कोई फोनिंग सिस्टम लाए जिसमें केवल दो फोन, एक इस कमरे में एक उस कमरे में कनेक्ट हो पाते हैं, और उनसे कहें कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका 4G नेटवर्क चल रहा है, तो है उसी टाइप की चीज, लेकिन वो नहीं है। आप अगर 4G वाले में पढ़ रहे हैं तो ये चीज वही नहीं है। आप कहिए कि मेरे घर में, मेरे हार्ड डिस्क में जो है 500 वीडियोज हैं, तो ये यूट्यूब क्यों नहीं है, आप यूट्यूब अलग से क्यों बता रहे हैं, तो 500 वीडियोज रखना यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब का मतलब होता है 500 करोड़ वीडियोज। तो मानव भाषा और दूसरे प्राणी भाषा जैसी जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसमें यही अंतर है। उनका जो सिग्नलिंग सिस्टम है, भाषा भी एक सिग्नलिंग सिस्टम है, लेकिन उनका जो सिग्नलिंग सिस्टम है और जो भाषा है उसमें ये अंतर है। तो साइन की अवधारणा में उन्होंने कहा कि एक ओर संकेतक होता है और दूसरी ओर संकेतित होता है। जब वक्ता संकेतक का प्रयोग करता है तो श्रोता उसका संकेतित समझता है, और यह काम हर कोई करता है। जैसे आप ट्रैफिक सिस्टम में अगर लाल रंग आपने देखा तो वो संकेतक है, ऐसा नहीं है कि लाल रंग आपने देख लिया और इसके बाद भी आपने क्रॉस कर दिया तो आप मर जाएंगे आगे जाकर, कुछ नहीं होगा, वो बस एक सिस्टम बनाया गया है व्यवस्था में जीने के लिए। यही बात दूसरे प्राणियों के साथ होती है कि मधुमक्खियों का, जैसे आप लोगों ने अगर भोलानाथ तिवारी या किसी किताब पढ़ी होगी जिसमें मधुमक्खियों की भाषा इस तरह के टॉपिक में बात की गई है कि अगर वो अपनी हमिंग यानी घूमने के माध्यम से बता देती हैं कि किस ओर जो है मध मध का छत्ता है और किस ओर कितनी दूरी पर है, लगभग एक मतलब अनुमान बता देती हैं। तो है तो एक वो सिग्नलिंग सिस्टम, लेकिन बहुत छोटा सा, 10 20 50 संकेत हैं, और वो उतने ही हैं जितने से उनका काम चल जाता है। तो ये एक मतलब विस्तृत, सैद्धांतिक की दृष्टि से विस्तृत चर्चा वाली बात है, जिसको मैंने थोड़ा सा ये एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की कि वो भाषा क्यों नहीं है, वो भाषा जैसी चीज है, बहुत आरंभिक चीज है, बहुत छोटा सा एक सिस्टम है, और उस तरह के हम कई तरह, बहुत सारे सिस्टम उस तरह के हम प्रयोग में लाते हैं।
वो सिस्टम उतना भी बड़ा नहीं है जितना हमारे यहाँ अंधे बहरे प्रयोग करते हैं। जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनके सिग्नलिंग सिस्टम में भी कम से कम 1000-1500 शब्द होते हैं, जबकि दूसरे प्राणियों में उतने भी नहीं होते। और ये बात अंततः जो है इंटेलिजेंस तक जाती है, आपकी बुद्धि तक। जैसे मैं अपने यहाँ भी जब क्लास लेता हूँ ये सब बातें आती हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं भाई कि मैं तो भाई कहता हूँ कि मुझे मानव प्राणी का संतान अभिमान है, बहुत गर्व है, और मैं इसे हल्के में नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है कि मैं मनुष्य का बच्चा हूँ। लाखों करोड़ों प्राणियों में अगर आप मनुष्य के बच्चे बने हैं तो आपको भी गर्व होना चाहिए, आपको भी गुरूर होना चाहिए, गर्व नहीं गुरूर होना चाहिए कि मैं मनुष्य का बच्चा हूँ। और उस गुरूर के पीछे जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत संयोग की बात है कि लाखों में आप मनुष्य बने हैं, आपको उतना इंटेलिजेंस दिया गया है, और उस इंटेलिजेंस का कारण भाषा ही है। अगर भाषा आपके मन में से खींच ली जाए तो फिर वापस आप बंदर बन जाएंगे। तो आप कहें कि भाई बंदर में और मुझ में क्या अंतर है, तो आप में और बंदर में केवल और केवल भाषा का अंतर है। कोई ऐसी मशीन बनाई जाए कि आपकी भाषा खींचकर आपके पालतू बंदर में डाल दी जाए, तो वो बंदर आपके जितना बुद्धिमान हो जाएगा और आपकी बुद्धि केवल और केवल उस बंदर के बराबर बचेगी। तो ये जो डिफरेंस है उस बंदर और आपके बीच में, वही यहाँ पर मनुष्य शब्द डालता है कि मनुष्य विचार करता है, मनुष्य में ही इंटेलिजेंस का वह लेवल है, और उस लेवल को भाषा ही संचालित करती है। खींच ली जाए तो बात खत्म। बिना भाषा के आप कभी कुछ सोच के देखिए कि मुझे भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है लेकिन एक बात सोचनी है, मुझे पानी नहीं सोचना है लेकिन प्यास के बारे में, पानी नहीं दिमाग में आना चाहिए लेकिन प्यास के बारे में सोचना है, एक कविता लिखनी है लेकिन मुझे शब्द नहीं लगाने हैं, और किसी से भी हो जाता है तो वो जरूर मुझे बताए। अगली जब भी हमारी एक और अगली चर्चा होगी तो जरूर उस पर हम बात करेंगे। तो मैं बता पाया हूँ पूछा था, यानी समझा पाया हूँ या नहीं अपनी बात को अभी? सर मुझे तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपका व्याख्यान। विद्यार्थियों के फीडबैक, विद्यार्थियों सर ने जैसा पूछा क्या सर की बातें, या सर ने जो कुछ जी अच्छा हाँ विद्यार्थियों ने लिखा सर बहुत ही अच्छा। चलिए फीडबैक आप लोग देते रहें, यानी क्या है कि समझाने के तरीके में परिवर्तन करना पड़ सकता है। कई बार हो सकता है कि जानी हुई चीज को अगर विस्तार से बताया जा रहा हो तो लोग बोर होते हैं, यार ये तो जानते ही थे, बेकार में इतना लंबा खींचती है। कई बार होता है कि अगर विषय आपके लिए नया है तो थोड़ा विस्तार से बताने पर ही आप समझ पाते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो और लोग जी भी सर फीडबैक निश्चित तौर देंगे। पर, क्योंकि भाषा विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो जैसा हिंदी साहित्य की जब हम बात करें तो कहानी नाटक वो क्या होता है कि एक रुचि के तौर पर हम लोग सुन लेते हैं, वो एक तरह से हमारे मनोविज्ञान मानस में बैठ जाता है कि अच्छा ये कहानी है, इसके इर्द गिर्द ये चीज है, ये चीज। लेकिन जब हम दो मुख्य चीज से हम बात करते हैं, एक भाषा विज्ञान की, एक काव्य शास्त्र की, तो ये जो है स्वयं में थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजें हो जाती है जिसमें हमें स्वयं से जी खुद जी भी बिल्कुल पढ़ना पड़ता है, बाद में हम चर्चा परिचर्चा करनी पड़ती है, तीसरी जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बाहर से आई है, हम अपने आसपास ही सभी प्राणी को देखते हैं, सभी कीट मकोड़े या सभी चीज को देखते हैं, उनकी भाषा अपनी भाषा, तो ये एक चीज है समझने की या उस अपने मानस पे थोड़ा सा बल देकर के एक तरह से चर्चा करने की, तभी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आती है। और भाषा के मामले में सबसे बहुत बड़े लाभ की बात यही है कि आप भाषा पर चर्चा बिना बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़े भी कर सकते हैं, अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर भी बहुत कुछ जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो भी बात सामने से हो रही है वो सही है या नहीं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी 4 लाख किलोमीटर है, या मैं कहूँ 40 लाख किलोमीटर है, तो आप, मैं कहूँ कि 40 लाख किलोमीटर है, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सागरिका, शर्मिंदा महसूस होने की जरूरत नहीं है, वो जो है मतलब जिम्मेदारी की बात है जो मैंने कहा कि अगर आप जैसे भाई प्रधानमंत्री आप हो गए तो आप राजा हैं देश के,
लेकिन जितने बड़े आप राजा हो गए, सारी सुख सुविधाएं मिल गई, उतनी ही बड़ी आपकी जिम्मेदारी भी हो गई कि सबको लेके चलना है, सबका ध्यान रखना है। और इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है जो आपकी, मतलब कम से कम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो किताब है इनकी, चार्ल्स डार्विन की, वहां से जो शुरू होती है हमारी समझ। थ्योरी तो बहुत पहले से है, जो नेचर कर रही है सब सही कर रही है, उसमें बहुत ज्यादा जो है दुखी होने की बात नहीं है। अच्छे बुरे सब लोग बने हैं और सब उसी तरह से अपने तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो वो यानी जैसे हमारे यहाँ एक दुबे सर हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि ये दुनिया कहीं तो जा रही है और हम सब उसमें सम्मिलित हैं। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। अब संयोग की बात यह है कि हमें नहीं पता कि कहाँ जा रही है, इसलिए हम अपने अपने तरीके से गाड़ी खींच रहे हैं। अगर हमको पता चल जाए तो उस दिन से जो है हम बिल्कुल सही दिशा में लेके जाने लगेंगे। आपको मैं कार दे दूं, लेकिन ये ना बताया जाए कि कहाँ जाना है, लेकिन चलाते रहना है, रुकना नहीं है। तो आप क्या करेंगे? वही करेंगे जो आज सारे मनुष्य या सारे प्राणी कर रहे हैं। जैसे हाँ 2 मिनट, तो हाँ क्या मैं बता रहा था, आतिल बाबू ने लिखा है कि पृथ्वी और चांद की दूरी 3,85,000 किलोमीटर, नहीं 30 लाख है। आप साबित करिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आदिल आप अनम्यूट हो जाइए 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा बाकी लोग भी मनोरंजन कर लें, क्योंकि अब क्लास तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, सामान्य ज्ञान टाइप का मनोरंजन एक कर लीजिए। आप साबित करिए कि 3,85,000 है, मैं कह रहा हूँ 30 लाख है या 3 करोड़ है। आतिल आप अनम्यूट हो जाइए। कहाँ गए हैं कि बाहर हो गए? नहीं सर, बने हुए ना, बने हुए। अतली, अतली बाबू, सॉरी नाम गलत मैं पढ़ रहा था। तो वो क्या है कि उसके लिए आप प्रमाण देंगे, जब भी वैज्ञानिक बातें होंगी तो आप वहां प्रमाण देंगे, आप किताबें बताएंगे, आप बहुत बड़े बड़े रिसर्चर की बात कहेंगे, तब जाकर के माना जाएगा कि हाँ नहीं, 3,85,000 ही है। मैं कहूँ कि जो है सोडियम और कार्बन को मिलाने से सोना बनाता हूँ, 1 किलो सोना रोज में पैदा करता हूँ, आप कहेंगे नहीं बन सकता। तो ये कहने के लिए कि नहीं बन सकता, आपको पूरी केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए, 10-20 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन जब कोई ये कहे कि मोहन घर जाती है, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये गलत है, उसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भाषा के यूजर खुद हैं, आप उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके पास ही है। तो आपके पास है तो आप बता सकते हैं कि मोहन घर जाती है गलत है, किताब क्या पढ़ना है भाई, ये तो हर कोई जाता है बोलता है, और मैं खुद बोलता हूँ, तो बात खत्म हो गई। इसलिए भाषा के मामले में थोड़ा सा लाभ है कि बहुत भारी भरकम किताबें, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक स्टैंडर्ड जब आप बना लेते हैं, तो फिर अपनी समझ के आधार पर भी बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। ये मतलब पृथ्वी और चांद वाला उदाहरण मैंने इसीलिए दिया था। और किसी को कोई प्रश्न हो? नहीं सर, इसके इतर सर विद्यार्थियों को सर और तो कोई प्रश्न नहीं दिख रहे हैं सर। चलिए, जी जी सर, तो तो ठीक है सर, जी फिर तो आपसे कर बात करके सर निश्चित तौर पर इन्होंने एक प्रश्न, सर सागरिका जी ने एक प्रश्न लिखा है, मैं उसे हाँ रख दूँ या अंतिम प्रश्न लेते हैं उसके अतिरिक्त। अच्छा ये कहते, उन्होंने पूछा है कि सिर हिंदी में व्याकरण में पुरुष, मैं नहीं समझ पाया सागरिका जी आपने क्या प्रश्न पूछा है के बारे में है, क्या सिर हिंदी में उन्होंने व्याकरण। सर लिखा है, सर इनकी सिर हो गया है, गलती से हो सकता है। जी, हिंदी में व्याकरण में हिंदी व्याकरण में जो पुरुष की परिभाषा और उसके प्रकार हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और तीसरा वाला क्या है, याद ध्यान नहीं अन्य आ रहा है, पुरुष। उसका थोड़ा यूज करिए, क्योंकि आप भाषा व्याकरण के ऊपर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा तो उसके अंदर पूछ लिया। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग सामान्य बातचीत ही कर रहे हैं। जो जिसको हम लोग भाषा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि स्वनिम, रूपिम, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, जो स्तर वहां बताए गए हैं, जिनके नाम मैंने लिए सैद्धांतिक चर्चा में, तो ये जो पुरुष शब्द जैसे आपने लिया, तो ये भाषा विज्ञान में
रूप विज्ञान से जुड़ा विषय है और इसका संबंध पद रचना से है। पद यानी शब्दों का शब्द रूप, इसको हम वर्ड फॉर्म कहते हैं। फॉर्म कहना जरूरी नहीं है, हिंदी के शब्द और पद दोनों के लिए अंग्रेजी में केवल वर्ड ही है, वहां पर केवल वर्ड है, हमारे यहाँ शब्द और पद दो चीजें हैं। तो जो पुरुष है, जो अंग्रेजी में तो जो पुरुष है वो अंग्रेजी का पर्सन है, वहां फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, हमारे यहाँ प्रथम, इसी के आधार पर हम कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यही बात संस्कृत परंपरा में प्रथम पुरुष को केवल उत्तम पुरुष कहा गया है। तो जब हम भाषा व्यवहार करते हैं तो वहां दो लोग कम से कम होने चाहिए। वो दो लोग कौन है? वक्ता और श्रोता। अगर वक्ता अपने खुद के बारे में कुछ बता रहा है, खुद को संबोधित करते हुए कोई बात कह रहा है, तो वो प्रथम पुरुष होगा। क्यों? क्योंकि संवाद में आया हुआ वह पहला व्यक्ति है। फिर से सुन लीजिए, संवाद कम्युनिकेशन में आने वाला पहला व्यक्ति प्रथम पुरुष में होता है। यानी मैं बोल रहा हूं और यही मैं सूचना दे रहा हूं आपको कि मैं बोल रहा हूं। मैं यानी कौन? तो वक्ता। तो फिर वक्ता कौन हुआ? वो जो है आपका उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ। फर्स्ट क्यों है? क्योंकि उसी ने तो काम आरंभ किया। वो बोलना बंद कर दे तो संवाद खत्म। तो संवाद में आया हुआ पहला व्यक्ति यानी वक्ता प्रथम पुरुष होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। अब वक्ता खुद को संबोधित कर सकता था, तो वक्ता के लिए मैं, हम, ये जो सर्वनाम आते हैं ये उत्तम पुरुष हैं। इसके बाद श्रोता, जिसको वो संबोधित कर रहा था कि तुम खाना खाओ, तुम पानी लाओ, आप वहां जाइए, तो वो के वो सब जो है मध्यम पुरुष कहलाएंगे, सेकेंड पर्सन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि संवाद में आए हुए वो दूसरे लोग हैं जो सेकेंड नंबर पर हैं। वक्ता ने जब बोलना शुरू किया तो बोलने के बाद उस संवाद प्रक्रिया में शामिल होने वाले वो सेकेंड लोग हैं। वो एक आदमी भी हो सकता है, कई लोग भी हो सकते हैं, उसके आधार पर एक वचन बहुवचन का हम भेद करते हैं। अब वक्ता और श्रोता की बारी तो हो गई, उनको छोड़कर किसी और की बात आप कर रहे हो, मैं और आप बात कर रहे हैं और हम कहें कि जो है अमेरिका में वे लोग मारे जा रहे हैं, मतलब ट्रंप ने ऐसा किया और उनके बयान से ऐसा हो गया, तो उनका मतलब कौन भाई? वह घर जा रहा है, वह यानी कौन? ना तो वो वक्ता है और ना ही श्रोता है। तो अब कौन बचा? अब एक तीसरा आदमी बच गया, तो वही है आपका थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। अन्य यानी वक्ता और श्रोता को छोड़कर एक तीसरी एंटिटी, वो एक आदमी भी हो सकता है और कई लोगों का समूह भी हो सकता है। तो क्लियर हुआ? सागरिका, क्लियर हुआ? जी सर, उन्होंने मैसेज लिखा है, क्लियर हो गया। अच्छा, हाँ चलिए ठीक। जी सर, जी सर, तो बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, अपने अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया, और निश्चित तौर पर कि आने वाले आगामी सप्ताह में आपसे चर्चा के बाद और एक तिथि निर्धारित करके अब विद्यार्थियों को मैं बता दूंगा, उसके उपरांत हम लोग कक्षा लेंगे, और सैद्धांतिक पहले पहली जो कक्षा होगी वो सैद्धांतिक मनोविज्ञान, सैद्धांतिक भाषा विज्ञान के ऊपर लेंगे, ताकि विद्यार्थियों को भी समझ थोड़ी सी विकसित हो, ताकि आने वाले समय में जब वो अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के संबंध में चर्चा अपनी चर्चा या कक्षा करें तो चीजें स्पष्ट तौर पर उन्हें समझ में आए। और इसी के साथ आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया, और इसी तरह आपसे अनुरोध कि जी सर कहिए। जितनी जानकारी उनको मिल गई उसके आधार पर वो अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान ही पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग उसी पे बात करेंगे, क्योंकि एक बैकग्राउंडिंग हो चुकी है। जी 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 ठीक। उसके अलावा अगर वो विस्तार में भी जाना चाहते हैं तब जाकर के, मैं यानी हमारी ओर से कोई दबाव नहीं है उनके, नहीं सर, मैं विद्यार्थियों से बात करने के उपरांत उनका जो डाउट जिस विषय पे ज्यादा करेंगे
उसी पे सर आपसे उनसे चर्चा करने के बाद ही इसका मैं आपको सर क्या सूचित करूंगा सर। ठीक, जी सर, तो बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, ठीक है, ओके, आपको भी धन्यवाद। सर आप चाहे तो अपनी ओर से इस कॉल को एंड कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों कि आप लोगों ने अपना समय दिया, संयम से सुना। मैं 1 मिनट आप लोगों का समय लूंगा, आप लोग से अनुरोध है कृपया बने रहिएगा। असित जी ने एक प्रश्न शायद पूछा था कुछ एक मुझसे, तो मैं उस पर चर्चा। सर नमस्ते धन जी सर, सर तक हमारी आवाज नहीं जा रही। आशीष जी आपके जो भी प्रश्न है मैं उनका उत्तर आपको भेज दूंगा, आपको बता दूंगा। ग्रुप में हमारी बातचीत होती रहती है, तो आपसे चूंकि थोड़ा समय भी हो रहा है, विषय भी जहां आपसे एक बार शुरू सर ने किया था उसका जो मैंने कहा, फिर सर ने कहा, तो विषय थोड़ा सा अपने मार्ग से भटक गया है। इस कारण आपके जो भी प्रश्न है उस पर मैं आपको उत्तर दे दूंगा। इसके इतर अगर किन्हीं को कोई प्रश्न रह गए हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके व्हाट्सएप से थ्रू बता सकते हैं। अगर यहाँ भी आप लोग कहना चाहे अपने कोई प्रश्न तो रखें, अन्यथा मैं आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। जी किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अमृता प्रधान, सॉन्ग्स फेवरेट नीना कुमारी, लक्ष्मी प्रिया, अतली जी, असित जी, इसके इतना किन्हीं को कोई प्रश्न हो तो रखें, अन्यथा आज की हम कक्षा को यहीं समापन की ओर ले जाते हैं। नहीं किन्हीं कोई प्रश्न, धीरे धीरे आप लोग लेफ्ट हो रहे हैं, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने अपना समय दिया, इस कक्षा को सफल बनाया। आप लोगों से पुनः अनुरोध होगी कि हिंदी साहित्य की किसी भी विषय की कक्षा हो तो उसे मैं जब आप लोगों के लिए करवाता हूँ तो बहुत सोच समझ के करवाता हूँ, यह जानते हुए कि वो कक्षा आप लोगों के लिए कितनी जरूरी है, वरना मुझे भी अपनी ऊर्जा बर्बाद करने में और अपना समय खर्च करने में समय मतलब बिना सर इस आज का रिकॉर्डिंग मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, पर थोड़े समय के बाद मैं सीधे सीधे आज ही रिकॉर्डिंग आपको नहीं भेज दूंगा क्योंकि उसकी हल्की फुल्की एडिटिंग होती है, मुख्य बिंदु उसमें रखे जाते हैं जो आपके काम में आए, क्योंकि कई बार होती है जब विषय विशेषज्ञ आते हैं तो उनसे मेरी कुछ कुछ चर्चा हो जाती है, परिचर्चा हो जाती है, तो वो सब आपके विषय पर केंद्रित नहीं रहते हैं, वो आम बातचीत भी हो जाती है कई बार, तो इस वजह से उन सब चीजों को हल्का फुल्का एडिटिंग करना पड़ता है, उसके उपरांत वो आपको मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मेरे पास अवेलेबल होंगे आप लोग, हाँ अपने यूनिवर्सिटी के ओएसयू के वेबसाइट पर जाइए, बहुत सारे जो पहले के कक्षाएं हो चुकी है उनकी रिकॉर्डिंग वहाँ मौजूद है, वहां पे देखिए, अगर आपके विषय से जुड़े हुए कोई रिकॉर्डिंग हो तो उसे लीजिए, और ये रिकॉर्डिंग भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। नहीं मैं जानता हूँ अपने क्लास नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जब उपलब्ध होगी आपको बता दी जाएगी, लेकिन पहले की भी बहुत सारी जितनी कक्षाएं हैं उनके रिकॉर्डिंग अब उपलब्ध हो चुकी है, तो वहाँ पे जाइए और सुनिए, इसके ऊपर कोई अगर दुविधा हो, मन में कोई डाउट हो तो मुझ तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, देवाशीष सर और रुद्र सर जिन्होंने भी तकनीकी सहयोग दिया आज की कक्षा में, थैंक यू उनका सर, बहुत बहुत सर। देवाशीष सर आप रुद्र सर अच्छा, रुद्र अच्छा, रुद्र बहुत बहुत धन्यवाद, उदयवासी सर हैप्पी जर्नी। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने अपना समय दिया, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, कल फिर एक नए विषय के साथ हम लोग जुड़ेंगे, कल भी दोपहर को 3:30 से कक्षा रखी गई है, और कल प्रयोजन मूलक हिंदी जो कि डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी इन ट्रांसलेशन का आपका पाठ्यक्रम है उससे संबंधित कक्षा है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि कक्षा करें और प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछेंगे तभी डाउट क्लियर होंगे, डाउट क्लियर होंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि चीजें स्पष्ट होंगी तो आप अच्छा कर सकें परीक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, घर पर रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।